नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस के बारे में। यह जो ट्रेन है लखनऊ जंक्शन स्टेशन से पुणे जंक्शन महाराष्ट्र के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 11408। लखनऊ जंक्शन का स्टेशन कोड है LJN और ये जो ट्रेन है 28 घंटे 35 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। लखनऊ जंक्शन से हर बृहस्पतिवार को सुबह 6:30 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और तकरीबन 28 घंटे 35 मिनट बाद ये ट्रेन जो है पुणे जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 11:05 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं, 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 52 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इसे सेंट्रल रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है। आगे हम बात करेंगे लखनऊ जंक्शन से पुणे जंक्शन तक चलने वाली इस लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। तो मैं जो अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊंगा वो लखनऊ जंक्शन से पुणे जंक्शन तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस में सेकेंड एसी के कोच का जो किराया है वो है 2255 रुपये, जिसमें 2097 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 107 रुपये है। टोटल किराया इसका 2255 रुपये बनता है। ये तो हो गई सेकंड एसी की बात। इसके अलावा इस ट्रेन में दो कोचेस जो हैं थर्ड एसी के भी हैं। थर्ड एसी का जो लखनऊ जंक्शन से पुणे जंक्शन तक का जो टोटल किराया है वो है 1590 रुपये, जिसमें 1474 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज जो है 76 रुपये है। टोटल किराया इसका 1590 रुपये बनता है। ये तो हो गई थर्ड एसी की बात। दोस्तों, एसी कोचेस में GST चार्ज जोड़ा जाता है, बाकी अन्य कोचेस में नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास का जो किराया है टोटल किराया है वो है 590 रुपये, जिसमें 570 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 590 रुपये इसका टोटल किराया बनता है। इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास के इसमें तकरीबन 5 कोचेस हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में तकरीबन 7 जनरल अनरिजर्व डिब्बे हैं, जिसका टिकट किराया जो है लखनऊ जंक्शन से पुणे जंक्शन तक का वो है 330 रुपये। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर लें, वहां से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लखनऊ जंक्शन से पुणे जंक्शन तक चलने वाली लखनऊ पुणे एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं लखनऊ जंक्शन से इसके पुणे जंक्शन महाराष्ट्र तक कौन कौन से स्टेशन आते हैं। लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 11408 और ये जो ट्रेन है हर बृहस्पतिवार को सुबह 6:30 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से हर बृहस्पतिवार को ये चलती है और 28 घंटे 30 मिनट बाद ये ट्रेन जो है पुणे जंक्शन महाराष्ट्र में पहुंचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं और 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 52 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस जो है अपने दूसरे स्टेशन कानपुर सेंटर में पहुंचती है। कानपुर सेंटर में ट्रेन जो है सुबह 8:20 पे पहुंचती है और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 72 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। यहां पर ये ट्रेन जो है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल गोरखपुर रप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है ओराई स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:47 पे और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 170 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। और ओराई स्टेशन के बाद ये ट्रेन जो है झांसी जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 1:10 पे पहुंचती है और 1:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 293 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। झांसी उत्तर प्रदेश के बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के बीना जंक्शन में दोपहर के 3:35 पे पहुंचती है और 3:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 446 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद भोपाल जंक्शन मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है शाम के 6:20 पे पहुंचती है और 6:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 584 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है।
इसका स्टेशन कोड है BPL। इसके बाद हबीबगंज भोपाल में ये शाम के 6:42 पे पहुंचती है और 6:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 590 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हबीबगंज का जो स्टेशन कोड है वो है HBJ। यहाँ पर ये GT एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होती है। इसके बाद लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस जो है वो होशंगाबाद स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:38 पे और 8:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 558 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। होशंगाबाद स्टेशन का स्टेशन कोड है HBD और यहाँ पर ये ट्रेन जो है तेलंगाना और आधारतल हबीबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है रात के 9:15 पे और 9:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहां पर काशी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसका स्टेशन कोड है ET। इसके बाद ये ट्रेन जो है खांडवा जंक्शन में पहुंचती है। खांडवा जंक्शन मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 11:48 पे पहुंचती है और 11:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 860 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खांडवा जंक्शन जो है इस ट्रेन का 10वां और मध्य प्रदेश का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र के पहले स्टेशन भुसावल जंक्शन में रात के 1:35 पे पहुंचती है और 1:40 पे लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस जो है वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 982 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जलगांव जंक्शन में पहुंचती है रात के 2 बजे और 2:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1,007 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद लखनऊ जंक्शन से पुणे जंक्शन तक चलने वाली लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस जो है वो मनमाड़ जंक्शन में पहुंचती है। मनमाड़ जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 4:10 पे पहुंचती है और 4:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है 4:10 पे पहुंचती है और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन जो है खोपर गांव में पहुंचती है सुबह 5:18 पे और 5:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। खोपर गांव का जो स्टेशन कोड है वो है KPJ और 1209 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अहमदनगर में पहुंचती है। अहमदनगर में ट्रेन जो है सुबह 6:43 पे पहुंचती है और 6:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और अहमदनगर का स्टेशन कोड है ANG। इसके बाद ये ट्रेन जो है दाहोंद जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 9:25 पे पहुंचती है और 9:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहां पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है। पुणे से दाहोंद जंक्शन की जो दूरी है 1404 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर कर चुकी होती है। 200 इसके बाद लखनऊ जंक्शन पुणे एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन पुणे जंक्शन में सुबह 11:05 पे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 1480 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आप नहीं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करके बताएं, साथ में अपनी फेवरेट ट्रेन के बारे में भी कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहां तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी जरूर देखते रहें और लाइक और शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को।